हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई एम श्योर आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं बात करना चाहूँगी आप सभी से वेद्स के बारे में। वेद्स मतलब, आप सही समझ रहे हैं, मतलब जिनका वेट ज़्यादा होता है, जितना होना चाहिए, ऑप्टिमल वेट से ज़्यादा होता है, राइट? जिनको हम ओबेसिटी बोलते हैं, ओवरवेट बोलते हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे आज। तो दोस्तों, आपको फैक्ट एक पता है कि हमारा इंडिया जो है वर्ल्ड में टॉप 3rd पोजीशन पे है ओवरवेट के इसमें। तो ये गौरव की बात है, हमारे प्राइड की बात है या शर्म की बात है? ऑफकोर्स शर्म की बात है, क्योंकि ओबेसिटी हमारे लाइफ में, ओवरवेट जो है हमारे लाइफ में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस लेके आ जाता है, बहुत सारी बीमारियों को इनवाइट भी करता है। तो ऐसे में ये चीज़ें अच्छी तो नहीं हैं, ओवरवेट होना या ओबेसिटी की तरफ जाना, राइट? चाहे वो लेडीज़ हों या जेंट्स हों, हर किसी को ओबेसिटी की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। लेकिन इसका एक ख़ास वजह क्या है, आपको पता है? एक ख़ास वजह ये है ओवरवेट के लिए कि हम जो लाइफस्टाइल आज जी रहे हैं, वो आप पहले के ज़माने में लोगों को देखेंगे तो लोग इतने मोटे नहीं हुआ करते थे। हमारी सेडेंट्री लाइफस्टाइल आज की जो है वो पहले इतनी हुआ नहीं करती थी। लोग काम किया करते थे, फिज़िकल वर्क किया करते थे। इवन घर में जो लेडीज़ हुआ करती थी वो घर के सारे काम करती थी खुद से, मशीनरीज नहीं थी ना। आज हमारे पास क्या है, कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन है, मसाले पीसने के लिए मिक्सर ग्राइंडर है, हर चीज़ के लिए कुछ ना कुछ हमारे पास मशीन है। लेकिन उस समय नहीं होता था तो वो सारे काम करते थे। इवन झाड़ू पोछा जो होता था वो करने में पूरी एक्सरसाइज होती थी। लेकिन आज कुछ नहीं, आज खरे खरे पोछे भी लग जाते हैं। तो ये सब सारे प्रॉब्लम की जड़ है और हम इन सब चीज़ों को इग्नोर करते हैं। दूसरा, हम अपनी लाइफस्टाइल में इतने बिज़ी हो गए हैं, या यूँ कहिए कि हम अपने लिए, खुद के लिए टाइम नहीं निकाल पाते हैं। इस चीज़ को हम ध्यान नहीं देते हैं, इग्नोर करते हैं और थोड़ा क्या कहें, लेज़ी फील करते हैं, लेज़ी हो जाते हैं अपने लिए सोचने में, और ये सारी प्रॉब्लम जो है हम खुद बुला लेते हैं, इन्वाइट कर लेते हैं। तो इसका सबसे अच्छा उपाय यही है कि आप फिज़िकली एक्टिव हो जाइए। ओवरवेट को लेके ऐसे तो बहुत सारी मान्यताएं हैं कि अरे यार, मैं कम खाता हूँ फिर भी मोटा हो जाता हूँ, मेरे शरीर में ही प्रॉब्लम है, कुछ ज़्यादा पचता नहीं है, राइट? कुछ लोग बोलेंगे अरे ये तो हेरिडेटरी है, मैं कुछ खाऊँ ना खाऊँ मोटा हो ही जाऊँगा। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर हम कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम अपनी लाइफस्टाइल को अच्छा कर लें, एक्सरसाइज करें, अच्छा खाना खाएं, फिज़िकल वर्क करें और बैलेंस्ड फूड खाएं, न्यूट्रिशन वाले फूड्स खाएं, तो हम सब मैनेज कर सकते हैं। थोड़ा टेंशन कम करें, स्ट्रेस करें कम। स्ट्रेस कम करने का एक अच्छा तरीका तो आप एक्सरसाइज करें, उससे भी स्ट्रेस थोड़ा आपका कम हो सकता है। तो ये सब सारी चीज़ें अगर हम अपने लाइफ में, लाइफस्टाइल में इंक्लूड करें, थोड़ा थोड़ा करके आप इंक्लूड करिए और बढ़ाइए इस चीज़ को, तो ऑब्वियसली आप फिट भी रहेंगे, हेल्दी भी रहेंगे और दूसरा आपका वेट भी कंट्रोल में रहेगा, मैनेज रहेगा। दोस्तों, वेट कम करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप एक तो एक्सरसाइज कीजिए, उसके साथ आप न्यूट्रिशन वाली बैलेंस फूड खाइए। आप देखिए कि आप कितना प्रोटीन खा रहे हैं, कितना फैट खा रहे हैं, कितना कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, उसको कंट्रोल कीजिए। क्योंकि हर एक इंसान का जो नीड है प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का, फैट का, वो अलग अलग है। तो आपके लिए क्या सूट करता है वो आप देखिए और उसके अकॉर्डिंगली आप अपना डाइट बनाइए और वैसे खाइए। मैं आपको ये नहीं बोलूँगी कि आप सडनली ये चेंज कर दीजिए, वो चेंज कर दीजिए, बट जो आप खा रहे हैं उसमें थोड़ा थोड़ा चेंजेस कीजिए और देखिए आपको कितना अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। आप खुद एनर्जेटिक फील करेंगे, आपका वेट भी धीरे धीरे रिड्यूस होगा, और जो ये वेट रिड्यूस होगा वो लाइफ टाइम के लिए सही रहेगा आपके लिए, क्योंकि ये नेचुरल तरीके से होगा, क्योंकि आपने अपनी लाइफ स्टाइल में चेंजेस की है। और तो और, आपका जो नॉर्मली लोगों को प्रॉब्लम होता है कि वेट जब लूज़ करते हैं तो स्किन जो होती है लूज़ हो जाती है, सैगिंग हो जाती है, वो आपको प्रॉब्लम भी नहीं होगा क्योंकि आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो स्किन जो है आपकी वो अच्छी रहेगी। और दूसरा, आप अपनी लाइफस्टाइल में चेंज कर रहे हैं तो ये लॉन्ग टाइम रहेगा। बहुत सारे आप ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे नेट पे या मार्केट में जो आपको इमिडिएटली वेट रिड्यूस करने के लिए आपको लालच देंगे कि भाई एक महीने में आप 15 किलो भी वेट कम कर सकते हैं। लेकिन आपको लगता है कि क्या वो साइंटिफिक रहेगा, आपके लिए सही रहेगा, आपके हेल्थ के लिए? तो आप पहले कुछ भी देखने से पहले खुद के लिए एक बार सोचिए ज़रूर कि आपको क्या सही लगता है, आपके लिए क्या सही है। और ये आज का देख करके मत कीजिए,
फ्यूचर को देख के कीजिए कि आपके लिए क्या सही रहेगा। आज हो सकता है आपका 15 किलो वेट कम हो जाए आज एक महीने के अंदर, लेकिन एक साल बाद आपको क्या वापस से वेट बढ़ेगा? नहीं, बढ़ सकता है। और वेट बढ़ने के साथ साथ आपको प्रॉब्लम ये भी हो सकती है कि आपके स्किन लूज़ हो सकता है। तो सही तरीके से आप काम कीजिए, सही तरीके से अपने ऊपर ध्यान दीजिए और देखिए कि आप अपने वेट पे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। चलिए इसके बारे में हम डिटेल में फिर बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।